नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज जा रहे हैं मनाली। मनाली पे हम लोग अभी कार लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग आपको पूरी डिटेल देंगे, तो आप लोग हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 8, तो हम लोग मिलते हैं सीधे आपको कार में। आखिरकार दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं और करीबन 1300 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन पर। दोस्तों इस व्लॉग सीरीज में आपको हम शिशु गांव और लद्दाख के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं भीलवाड़ा। हम लोग निकले थे रात को 8 बजे और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, और अभी हमने 450 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं जयपुर में। अभी हम लोग रुके थे फ्रेश होने के लिए, और अभी वेदू भाई हमारे फ्रेश हो चुके हैं और अभी माजा पी रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ से जयपुर से निकलने वाले हैं। बीच में रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ। हम लोग आपको मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। पूरी रात ड्राइविंग किया है तो अभी बहुत ही थक गए हैं। दोस्तों अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी बढ़ रहे हैं हम लोग शिमला की ओर। अभी हम लोग रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, और पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेदू भाई नाश्ता कर रहे हैं, है ना वेदू भाई? हाँ। क्या क्या है नाश्ते में? केला की वेफर, चॉकलेट, पूरी, आलू की वेफर। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं होटल हाईवे किंग में नाश्ता करने के लिए। दोस्तों होटल मैरी गोल्ड जयपुर से आगे आई हुई है, और आप लोग भी अगर यहां पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं तो यहां पर आपको पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाएगी, और ये होटल बहुत ही हाइजेनिक है और आपको यहां पर अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। तो फाइनली नाश्ता आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं इस पे बड़े बड़े पराठे आ चुके हैं, दो आलू पराठे, और ये देखो इतनी क्वांटिटी आई है। दोपहर का खाना आ जाए इतना है। तो हम लोग अभी चंडीगढ़ के हाईवे पे चढ़ गए हैं। दोस्तों जयपुर से चंडीगढ़ का ये हाईवे करीबन 475 किलोमीटर का है, और यहाँ पर आपको हाईवे पर कई जगह पर रेस्ट करने के लिए और फ्यूल डलवाने के लिए रेस्ट प्लेस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं। और ये हाईवे क्रॉस करने में आपको करीबन 5 से 7 घंटे लगते हैं। Yeah.
बारिश होने वाली है और वेदू भाई अभी बहुत ही ज्यादा मस्ती पे चढ़ गए हैं अभी तो, और बाहर का मौसम बहुत ही बारिश वाला हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। टाइम कितना, अभी दोपहर के देखो टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है दोपहर का। दोस्तों ऐसे ही मस्ती करते करते और एटमॉस्फेयर का आनंद लेते लेते हम लोग आखिरकार पहुंच चुके थे हिमाचल प्रदेश में, और यहां से हिमाचल की टनल्स शुरू होने वाली है। टनल नंबर 1 से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, और वेदू भाई किधर है, वेदांश भाई किधर है, दिख नहीं रहे, वो गेम खेलने में बिजी है। पहली टनल हमारी क्रॉस हो चुकी है और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जन्नत की ओर बढ़ते कदम, ठंडे ठंडे माहौल में घूमने जा रहे हैं वेदू भाई और हम सब लोग। गर्मी के मौसम से बहुत ही बोर हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं टनल नंबर 2 में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पहले अगर आप टूर पे आते थे तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ही कष्टदायी होती थी, लेकिन जब से यहाँ पर ये टनल्स बनी है यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ गए हैं, और यहाँ पर करीबन 19 टनल है, उसमें से कई टनल्स का काम चल रहा है और कई टनल्स बन चुकी है। दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये है भरारी ब्रिज का रास्ता, यहाँ से राइट साइड आप लोग शिमला की ओर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मनाली, तो लेफ्ट साइड से हम लोग भरारी ब्रिज क्रॉस करके मनाली की ओर आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे होटल में, हमने चेक इन कर लिया और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नजारा जहाँ पर मैं और वेदू भाई खड़े हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी कुल्लू से थोड़ा दूर एक होटल में रुके हैं जिसका नाम है बिफोर यू। अगर आप लोग भी यहाँ पर रुकना चाहते हैं मैं नीचे लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और वेदांश भाई और हम लोग यहाँ पर कितना किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर बारिश के मौसम में। यहाँ पर पीछे की साइड आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर पानी आ जाता है, और वहाँ पर अभी अभी बिजली पड़ी है। हम लोग जाने वाले थे अभी मनाली, लेकिन शाम हो गई उसकी वजह से, मम्मी पापा भी साथ में थे इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। तो आपको लेकर चलते हैं उनके रूम में, चलिए गाइस। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं खाना,
और फिर लहचा, यहाँ पे भी एक बड़ी सी गैलरी है। यहाँ से हम लोग आपको दिखाएंगे होटल का आगे का नजारा। और वहां पर आप लोग देख सकते हैं कपड़े सुखाए जा रहे हैं। मनाली में भी काम नहीं छूट रहा। और मनाली में भी काम खत्म नहीं हो रहा है। तो खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा वॉकिंग करने के लिए। अभी हाईवे पे कोई गाड़ी उड़ा ना दे तो अटका है, इसलिए हम साइड पे चलेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग के लिए तैयार रहें क्योंकि इसमें कई सरप्राइज होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Thank you.